अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर व्हीलर्स, दिस इज मोहम्मद अनस मसूद और वेलकम बैक टू अनदर ओनर्स रिव्यू। आज हम होंडा सिविक ईके का ओनर्स रिव्यू लेके आए। पहले भी एक ईके का हम रिव्यू कर चुके हैं और आज की गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा कि होंडा सिविक ईके 6 जनरेशन है, जिसे पाकिस्तान में 1995 के एंड में लॉन्च किया था और 1996 के स्टार्ट में डीलरशिप पे ये गाड़ी आ गई थी और इसने लॉन्च होते ही वो स्टेटस सिंबल अचीव कर लिया जो कि टोयोटा बींग अ रिलायबल कार आज तक अचीव ना कर सकी। और स्टार्टिंग में इसे 3 वेरियंट्स में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया था, LXi, EXi और VTi। LXi और EXi 1500cc वेरिएंट से, जो जिसे बेस वेरिएंट्स कहते थे, उनमें ज़्यादा कोई फीचर्स नहीं थे और VTi जो था टॉप वेरिएंट था। और इवन जो LXi वेरिएंट इतना बेसिक था कि उसमें AC तक उस गाड़ी में मौजूद नहीं था, जिसे बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और VTi इसका टॉप वेरिएंट था। और इस गाड़ी में उस टाइम में वो फीचर्स आते थे जो उससे पहले किसी गाड़ी में नहीं आते थे, यानी गाड़ी में कीलेस एंट्री का फीचर उस टाइम पे मौजूद था और उसका जो रिसीवर था वो बैरियर भी मिरर के साथ मौजूद था, इस गाड़ी में भी मौजूद है। 1999 में इस गाड़ी को एक फेसलिफ्ट मिला था और फेसलिफ्ट के नतीजे में ओरियल ने जन्म लिया और ओरियल में एक एक्स्ट्रा फीचर ये था कि इसमें सनरूफ का एडिशन कर दिया गया था और ओरियल आज भी कंटिन्यू हो रहा है। हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर भी मौजूद हैं, तो लेट्स स्टार्ट द ओनर्स रिव्यू। हमारे साथ इस गाड़ी के ओनर ईशान भाई मौजूद हैं, वेलकम ईशान भाई। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले मुझे बताएं ये कौन सा मॉडल ईयर है और कौन सा वेरियंट है? सर ये VTi ओरियल है, 2001 मॉडल है और ये टॉप ऑफ द लाइन। हाँ जी, टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है। और आप सिविक का डिसीजन कैसे बना और इतनी पुरानी सिविक का, और कब आपने ये गाड़ी ली थी? सर मुझे असल में ना ये शुरू से भाई पसंद है गाड़ी, क्योंकि मेरा क्रश था इस गाड़ी पे। अच्छा, तो ये मॉडल मुझे पर्सनली बड़ा खूबसूरत लगता है क्योंकि ये ओल्ड टाइप का मॉडल है उस टाइम का, और उस टाइम का बड़ा पॉपुलर मॉडल था, बहुत पॉपुलर है, तो इस वजह से मुझे ये पसंद है। और इसमें यानी कि पावरफुल इंजन है, शायद इस वजह से इसकी पिक शिक भी बड़ी अच्छी है और ये फैमिली ड्रिवन भी है और आजकल के जैसे जवान चलाते हैं उस टाइप की भी है। और कब ली थी आपने ये गाड़ी? मैंने तकरीबन 6 मंथ हो गए मुझे ये गाड़ी, और तब ये एक बिल्कुल स्टॉक कार। हाँ जी, तब ये स्टॉक कार थी और ओरिजिनल कलर भी इसका वाइट था। और आपको वैसे एक स्टॉक सिविक लेते वक्त इसमें जो कूल चीज़ें लगती हैं, जो आपको अच्छी चीज़ें लगती थी, वो कौन कौन सी? हाँ, ये एक मेजर यानी कि एक चीज़ है कि मुझे इस गाड़ी में चीज़ें पसंद थी, जैसे इसमें सनरूफ है, ठीक है, इसकी जो फ्रंट लुक है वो अभी भी यानी आप कंपेयर करें किसी गाड़ी के साथ तो बहुत खूबसूरत है, बहुत स्ट्रीमलाइन है। हाँ जी, और उसके अलावा इसके अंदर इंजन भी पावरफुल है, इसका इंटीरियर खूबसूरत है और इसकी मॉडिफिकेशन अच्छी है। और इसमें एक चीज़ है कि इसमें जो एक थ्रिल आता है ना, वो आपको इससे लेटेस्ट सिविक्स में वो, हाँ जी, वो बिल्कुल ऐसा ही है, वो नहीं फील होती। आपकी गाड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से मॉडिफाइड है, बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है। तो अब हम इस गाड़ी के मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले इस गाड़ी के पेंट की हम बात करते हैं, तो पेंट में क्या क्या आपने चेंजेस किए? पेंट हमने चेंज तो कुछ नहीं, यानी कि वो वैसे तो ये ओरिजिनल वाइट कलर में थी, तो हमने जो है ना बड़ा रिसर्च करके ये पेंट चूज़ किया है। ये हमारे हिसाब से पूरे पाकिस्तान में शायद ये रेयर ही हो जो हमने तैयार किया, क्योंकि ये पेंट नहीं है पूरे पाकिस्तान में इस गाड़ी पे। नार्डो ग्रे। हाँ जी, नार्डो ग्रे कलर है ये, तो हमने कंप्लीट पेंट किया है इसे, इंजन बे छोड़ के बाकी आउटर सारा शॉवर किया है और अंदर से इंटीरियर का भी कुछ पार्ट इसका शॉवर किया गया है।
और एक्सटीरियर में सेकंड चीज़ हम इस गाड़ी के रिम्स और टायर्स की तरफ आ जाते हैं। रिम्स माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, और पहले रिम्स और टायर्स के बारे में हम रिम जो है इसके, ये एडवन रेसिंग एक ब्रांड है उसके रिम है, और इसकी जो टायर प्रोफाइल है हमने योकोहामा का टायर इसमें डलवाया, इसकी प्रोफाइल है 185, 55 और 15। और इसकी ओरिजिनल ईके की मुझे याद है इसकी 185 ही प्रोफाइल उस टाइम पे भी आती थी, 185 है पर इसकी 65 के साथ है, 185, 65 और 15। और इसमें रिम साइज कितना? रिम साइज 15 है, 15 इंच। ओरिजिनल इसमें 14 इंच आता था, इसमें आई थिंक 14 इंच आता था। और इसके अलावा इसके आपने ये जो ग्रीन अंदर कलर है, हाँ जी, ये हमने कैलिपर इसका नियॉन ग्रीन किया है जरा एक खूबसूरत लुक निकालने के लिए, गाड़ी की मॉडिफिकेशन में कुछ ऐड करने के लिए, तो नियॉन ग्रीन कलर के इसके कैलिपर्स हैं, और इसके इंजन कवर भी हमने एक टैपेट कवर कहते हैं उसे भी हमने नियॉन ग्रीन किया। और अब हम इस गाड़ी की बॉडी किट्स, साइड स्कर्ट्स और फ्रंट लिप की हम बात करते हैं, तो वो क्या क्या चेंजेस किए हैं हमने इसमें? जो साइड स्कर्ट्स है ना ये तो पहले से ही आते हैं, ठीक है, ये ओरिजिनल प्लास्टिक में। हमने फ्रंट और बैक की किट डाली है, और एक इसका स्पॉयलर ऐड किया, वो आप दिखा सकते हैं बाद में। तो ये फाइबर ग्लास है दोनों, बरल ये जो है ये प्लास्टिक की होती है, ये साइड स्कर्ट्स क्योंकि ओरिजिनल थी, ओरिजिनल ये प्लास्टिक की होती है, और इसका स्पॉइलर ये फाइबर में है। हाँ जी ये फाइबर में है, और आरएस का है, आरएस फाइबर। अच्छा अब हम इस गाड़ी की फ्रंट लाइट्स की बात करते हैं। फ्रंट लाइट्स इसमें ओरिजिनल क्रिस्टल लाइट्स आती थी, और आपने क्या क्या हमने इसमें मॉडिफिकेशन ये की है कि लाइट्स इसकी ओरिजिनल है अभी भी। हमने इसके जो कवर है ना अंदर का उसे हमने एक ब्लैक टच दिया ताकि वो और मजीद खूबसूरत लग सके, कलर कॉम्बिनेशन, हाँ जी कलर कॉम्बिनेशन बेहतर बनाया। और बैक लाइट्स जो इसकी हैं वो हमने आरएस कन्वर्ट की हुई हैं, क्योंकि इसकी जो आती हैं वो ऑरेंज शेड में आती हैं, ऑरेंज कलर के इंडिकेटर्स हैं, हाँ जी, तो मैंने उसे आरएस में कन्वर्ट किया हुआ है। और इसके एक्सटीरियर में और कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस आपने की हैं? एक्सटीरियर के अंदर हमने इसके जो है वो किट्स लगाई हैं हमने सारी, इसकी फ्रंट बैक की साइड्स पहले ही थी, मजीद इसमें कुछ हमने यानी कि लो किया है गाड़ी को, और इस तरह की बॉडी के ऊपर मॉडिफिकेशन जो है ना वो माइनर है, वो यही है किट्स वाली बॉडी। और इसकी जो फ्रंट ग्रिल है वो आरएस ग्रिल है? हाँ जी हाँ जी, वो आरएस इसमें असल में ना दो तीन टाइप की आती हैं, ये मैश ग्रिल कहलाती हैं, एक होलो आती है पूरी सेंटर में से, यानी कि उसमें नहीं होती है, हमने एक जरा थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया था, हमें ये नजर आई थी एक अच्छी लगी थी, तो हमने वो, और वो आपके ब्लैक के साथ ग्रे का कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह माने, ये भी हमने सोच के ही थीम दिया इसे, हमने इसका नार्डो ग्रे के साथ ब्लैक, और ब्लैक के साथ फिर नियॉन ग्रीन, ये हमने तीन कॉम्बिनेशन इसके साथ किए हैं। और अच्छा एक चीज मैं नोटिस करता हूँ, जो जितनी भी स्टैंड्स या स्टैटिक कार्स होती हैं वो खास तौर पे नॉर्मली भी लोग इनके ना टेंट, शीशे टेंट कर लेते हैं। हाँ जी शीशे टेंट, हम असल में ये गाड़ी जो है फैमिली ड्रिवन भी है, तो शीशे आजकल आपको भी पता है कि रूल्स जो हैं ट्रैफिक रूल्स जो हैं वो बड़े सख्त हैं, तो हम, और फिर वो ओल्ड फैशन भी हो गया, क्योंकि हमारी अक्सर लोग इसलिए टिंट करवाते हैं कि अंदर से इंटीरियर नज़र ना आए, क्योंकि वो शायद क्लीन नहीं होता। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इसका इंटीरियर आप चेक कर सकते हैं बाद में, इसका इंटीरियर भी नीट एंड क्लीन है, इस वजह से हमने कहा हमें ज़रूरत नहीं है टिंट। अच्छा इंटीरियर की तरफ भी आते हैं, सबसे पहले अब हम गाड़ी के लो पे बात कर लेते हैं, हमने गाड़ी ड्रॉप की हुई है, ड्रॉप टॉप गाड़ी बनाने में किन चीज़ों का रोल है आया आपने इस पे, कॉयलओवर्स पे की है लोरिंग? नहीं हमने लोरिंग्स के ऊपर की है कॉयल ओवर्स, क्योंकि हमने अपना बजट भी देखा है थोड़ा, तो बजट के हिसाब से लो रिंग्स भी हमें ठीक लगे हैं, हमने उस पर सस्पेंशन चेक किया था पहले चला के लो रिंग्स डाल के, तो हम सेटिस्फाई थे उससे भी। और आपने इसको मॉडरेट सा लो किया, और लुक भी माशाल्लाह खूबसूरत है, क्योंकि आपकी डेली ड्रिवन है और मुल्तान में जिस तरह, बिल्कुल बिल्कुल हमने ज़्यादा लो नहीं की इसे, क्योंकि वो फिर आपको पता है यहाँ के रोड्स कैसे हैं, हम वगैरह कैसे हैं, तो वहाँ पे ये लगती है अगर ज़्यादा लो कर लिया जाए। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ लोगों ने इसमें 16 के भी व्हील्स घुसाए होते हैं, क्या नुकसान है? 16 के कोई नुकसान नहीं है, बरल वो थोड़ा सा हाइट को बढ़ाने के लिए, फिर वो अगर लो करते हैं ज़्यादा तो इसके अंदर जो शील्ड लगी होती है ना उसमें टायर टच होते हैं जब भी किसी हम्प से गुजरेगी, तो हमने 15 इसलिए डाला है ताकि लो भी रहे और यानी अंदर से भी प्रोटेक्टेड रहे इसकी जो लेयर है शील्ड वाली। अच्छा इसमें हमने रेयर व्हील्स को कैम्बर किया है या स्टॉक है? नहीं ये स्टॉक है। अच्छा हाँ जी स्टॉक है। और अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर की बात कर लेते हैं, इंटीरियर माशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है, मैंने पहले भी देखा बिल्कुल माशाल्लाह ओरिजिनल हालत में बड़ी खूबसूरत आ रही है, और क्या क्या चेंजेस किए हैं आपने या इसमें कोई चेंज? हमने इंटीरियर में सिर्फ इसका स्टेयरिंग चेंज किया है, क्योंकि इसके अंदर स्टॉक स्टेयरिंग जो है वो उसे अब 3 स्पोक्स कह लें या किसी तरह कह लें वो इस तरह होता है, ये आरएस स्टेयरिंग है, तो सिर्फ इसमें इंटीरियर में फिलहाल यही चेंजिंग है कि स्टेयरिंग चेंज किया गया, बाकी इसका इंटीरियर नीट एंड क्लीन था पहले से ही, और उसे मजीद हमने अपने रिस्टोरेशन करके उसे बेहतर बना लिया। अच्छा और इसकी सीट्स भी बिल्कुल ओरिजिनल है? हाँ जी सीट्स भी ओरिजिनल है, और सीट इसकी जो ड्राइविंग साइड की वो तो है भी जैपनीज़,
अच्छा, क्योंकि वो कंट्रोलेबल है, सेट हो सकती है हाइट भी, लो भी, और उसकी जो है वो एडजस्टमेंट है सीट में। और सीट एडजस्टमेंट ये स्टॉक कार में थी या आपने आफ्टर मार्केट? नहीं, ये जो हमने मॉडल लिया ये इसी में थी। अच्छा। क्योंकि ये टॉप ऑफ द मॉडल है उस टाइम का, ओरियल VTI ओरियल। और इसके अलावा इसमें जो की फीचर थे उस टाइम पे, इसमें पावर विंडोज आती थी। हाँ, और इसके साइड मिरर एडजस्टेबल है? एडजस्टेबल नहीं है ये, एडजस्टेबल यानी कि मिरर जो है ना, सेंटर वाला मिरर, वो रोटेटेबल है, यानी उसे आप एडजस्ट कर सकते हो अंदर से बैठ। हाँ, के रिट्रैक्टेबल नहीं है। हाँ जी। और इसके अलावा उस टाइम पे इसमें कीलेस एंट्री का फीचर भी आता था, और उसका रिसीवर अंदर लगा हुआ है, मैंने आपकी गाड़ी में भी देखा। बिल्कुल बिल्कुल वो है इसमें। और इसमें ओरिजिनल तो सीडी प्लेयर आता था आई थिंक उस टाइम पे आपने? हाँ जी, हमने MP3 लगाया इसमें सीडी प्लेयर। गाड़ी के साउंड सिस्टम में साउंड इसका ओरिजिनल है, हमने सिर्फ इसकी वो टेप चेंज की है, और बेस ट्यूब वगैरह कोई नहीं, कुछ नहीं डाला, इसका ओरिजिनल स्टॉक पे ही इसका। हाँ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, और इस गाड़ी का कंफर्ट लेवल कैसा है? क्योंकि आपने लो रिंग्स पे किया, मेरे ख्याल से ये कोई ज़्यादा बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, ये कंफर्टेबल होगी। वैसे इस गाड़ी का कंफर्ट लेवल कैसा है? कंफर्ट लेवल इसका बहुत अच्छा है। हाँ, थोड़ा जब आप लो रिंग्स डालते हैं तो थोड़ा सा यानी कि आप कह सकते हैं कि हार्ड हो जाती है, पर यह है कि दूसरी गाड़ियों को अगर आप देखा जाए ना, कंपैरिजन किया जाए तो उनके हिसाब से ये बहुत अच्छी है, क्योंकि ये खूबसूरत भी लगती है लो करके, और इसका कंफर्ट लेवल भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इस आपको प्रोज एंड कॉन्स स्टैटिक कार के गाड़ी? हाँ, एक इसके यानी कि समझ लें कॉन्स तो बहुत ज़्यादा हैं, कॉन्स जो हैं वो कम हैं। वो इस तरह है कि इसे जब लो किया गया है तो इसे स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से ज़रा थोड़ा देख के गुजारना पड़ता है, यानी कि आप स्पीड में नहीं गुजार सकते जैसे आप आम गाड़ी को गुजारते हैं, इसे ज़रा तरीके से गुजारना पड़ता है क्योंकि लो की गई है गाड़ी। बाकी फ़ायदे तो इसमें, क्योंकि उस टाइम का ये मॉडल है तो मेरे हिसाब से सनरूफ उस टाइम बड़ा एक रेयर था, अभी भी बल्कि गाड़ियों में नहीं मेरे ख्याल से ये पहली गाड़ी थी जिसमें सनरूफ आया था। और आप अभी भी देखें, अभी भी बड़े वेरिएंट जो लॉन्च हो रहे हैं उनमें अब जाके कुछ ना कुछ उन्होंने करना शुरू किया, वरना आज से पहले दो तीन साल पहले भी किसी टॉप ऑफ द वेरियंट जो थे उनमें आता था, वरना नॉर्मली किसी गाड़ी में सनरूफ नहीं था। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा व्यूअर्स के, ये जो EK थी ये पाकिस्तान की पहली गाड़ी थी जिसके अंदर, पाकिस्तानी असेंबल्ड गाड़ी थी जिसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आया था। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। के इंजन की बात कर लेते हैं, इस गाड़ी का इंजन में मुझे तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है। मुझे ये बताइए, ये स्टॉक है या? हाँ जी, ये इसका इंजन D16 है और स्टॉक इंजन है, और ये VTI VTEC इंजन है। हाँ जी, VTEC इंजन है, और इसमें सिर्फ हमने चेंजेस क्या किए हैं, हमने सिर्फ इसका एक टैपेट कवर जो है ना उसे एक बेटर लुक देने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए उसे, मतलब कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, वैसे परफॉर्मेंस वाइज। हाँ, परफॉर्मेंस वाइज इंजन इसका अपना स्टॉक इंजन ही है, और एयर इनटेक वगैरह सब कुछ स्टॉक। हाँ, सब कुछ स्टॉक है, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। अच्छा, अब हम इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात कर लेते हैं। जो नॉन VTEC था उसकी फ्यूल एवरेज के बड़े इश्यूज थे, इसकी फ्यूल एवरेज? इसकी फ्यूल एवरेज जो शहर में हमने जो नोट की है, हमें तो ये तकरीबन 13 भी देती रही है। अच्छा, और लॉन्ग पे ये तकरीबन 16-17 भी दी है, पर वो डिपेंड करता है आपके पैडल के ऊपर, आप किस स्पीड पे, किस RPM। और ये मैनुअल कार है? हाँ जी, ये मैनुअल। और भी इसमें ओरियल में मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों की ऑप्शन? हाँ जी, दोनों की ऑप्शन थी। मैनुअल में ये होता है कि एवरेज थोड़ी बेहतर होती है, और ऑटो में थोड़ी कम हो जाती है, पर हमें जो है एवरेज की बहुत अच्छी है इस माशाल्लाह, बड़ी अच्छी है। मैंने पहली EK देखी है जिसकी इतनी अच्छी माशाल्लाह सिटी में एवरेज है, और मुल्तान जैसी बेदंग ट्रैफिक है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा इस इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है पिक वाइज तो ये 1600 cc है। हाँ जी, और अच्छी खासी पिक है इसकी तो, क्योंकि ये आपने नोट किया हो पाकिस्तान में यानी कि ग्रुप्स ही बने हुए हैं रेसिंग ग्रुप, उनमें भी यही गाड़ियां यूज़ हो रही हैं, स्टॉक इंजन के साथ भी यूज़ हो रही हैं, हर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं इंजन में तो यही गाड़ियां ज़्यादातर यूज़ की जा रही हैं, तो इसी वजह से, क्योंकि इसकी पिक अच्छी है। आजकल EK का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और बहुत ज़्यादा लड़कों ने ये गाड़ियां बनाई हुई हैं, और बेसिक रीज़न ही इसके में जो थ्रिल है वो बाकी गाड़ियों में आपको नहीं मिलता। ES5 में भी वो थ्रिल नहीं है जो इसमें है, जो इसमें है बिल्कुल, वो इसी वजह से है कि इसका इंजन भी पावरफुल है, इंजन पावरफुल है, इसकी रोड ग्रिप अच्छी है, और ये असल में रोड के साथ थोड़ी लो है, इस वजह से बैठ के चलती है, तो ग्रिप भी इसी वजह से इसकी अच्छी रहती है।
और अब हम मॉडिफिकेशन की थोड़ी सी कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि पेंट पे कितनी कॉस्ट आई थी उन लोगों के लिए जो गाड़ी मॉडिफाई करवाना चाहते हैं। इसके पेंट के ऊपर हमारी जो क्योंकि हमारी मेरी अपनी वर्कशॉप है तो यहाँ पे हम पेंटर को क्योंकि मेरे अंडर ही है तो मैंने कोई उसे पैसे वगैरह जैसे यानी बारगेनिंग करते हैं उस तरह नहीं किया। जो सामान इसका हमने ले के दिया था वो तकरीबन 50,000 का आया था। अच्छा, जो पेंट का सामान था। और वैसे अगर किसी ने करवानी हो तो किसी ने करवानी हो तो आप तकरीबन 70,000 माइंड में रखें। हाँ जी, पेंट। और फिर इसके रिम्स और टायर्स पे कितनी कॉस्ट आएगी? रिम और टायर्स के ऊपर इसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 35,000 आई, क्योंकि इसके रिम जो थे ना, रिम इसके ओरिजिनल हमें इसके साथ ही मिल गए थे ये रिम। अच्छा, तो हमने क्योंकि ये सिल्वर कलर में थे तो हमने बस कलर टोन चेंज किया है। टायर्स हमें योकोहामा के डलवाए हैं, वो भी हमने काबली टायर्स, आपको पता होगा इसमें काबली यूज़ ठीक है वो, क्योंकि वो काबली टायर से अच्छे थे, हमारा था थोड़ा सा लिंक था तो वहाँ से हमें बेहतर मिल गए थे। और इसके अलावा इसके इस तरह के रिम्स की क्या कॉस्ट होगी? ये जो रिम है ये तकरीबन मार्केट में 37,000 का है। और इसके अलावा इसके बॉडी किट्स पे कितनी कॉस्ट आई है और स्पॉइलर? बॉडी किट पे इस तरह मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमने इसका ना सारा सामान इकट्ठा मंगवाया था तो उस टाइम तो उसमें काफ़ी कुछ था, वो तो तकरीबन हमने तो 1,00,000 का ऑर्डर दिया था जिसमें किट्स भी थी, स्पॉइलर भी था, इंटीरियर का कुछ पार्ट था जैसे मैंने स्टेयरिंग बताया है, फिर मैंने इसका बम्पर भी चेंज किया था, बैक बम्पर चेंज किए थे क्योंकि वो पुराने थे तो मैंने कहा एक नए बम्पर डाल दिए जाएँ, मैश ग्रिल थी, लाइट्स थी कुछ, वो मैंने ओवरऑल ये सारा इसी तरह एस्टिमेट था वो, क्योंकि मैं वो निकाल नहीं सकता काफ़ी पहले मैंने ऑर्डर किया था। और इसके अलावा इस एक चीज़ हम मिस कर रहे हैं, इसका आपने एग्जॉस्ट वगैरह क्यों नहीं, बहुत सारे लड़कों ने स्टैटिक कार में एग्जॉस्ट ला दिया। हाँ जी, हमने भी हमारा भी पहले माइंड था कि इसका सलेंसर चेंज किया जाए, पर उसमें ये होता है कि आप फिर वो फैमिली को नहीं लेके जा सकते कहीं, वो फिर अजीब लगता है, फिर आप लॉन्ग टूर्स में निकलते हैं, हमारा काम है ज़रा थोड़ा सा, हाँ जी, और वो आवाज़ साउंड उसका जो है ना वो दिमाग ख़राब कर देते हैं इंसान का, तो हमने इसे स्टॉक पे ही रखा है। अच्छा निशान भाई, मुझे बताइए आपकी अपनी ये वर्कशॉप पर रिफ्लेक्ट माई राइड आपने खुद तैयार कर ली और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से तैयार की, और इससे पहले भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, अगर कोई और लोग आपसे गाड़ी बनवाना चाहें, इस तरह की गाड़ी बनवाना चाहें तो? जी जी, हमें अभी भी कॉल्स आई हैं, हमने ये गाड़ी एक पेज फेसबुक पे पेज है हमारा अपना, हमने उस पर यानी कि डाली थी तो वहाँ से हमें कॉल्स आई हैं, डिफरेंट शहरों से भी आई हैं कि उन्होंने तैयार करवाने के लिए हमसे पूछा है, तो हाँ जी हम मोस्ट वेलकम करते हैं उन्हें जिन्हें हम इनसे बनवानी है या गाइडलाइन लेनी है या जो भी सामान अगर चाहिए। आप गाइड करेंगे सबको? हाँ जी, हाँ जी, हम गाइड करेंगे सबको। अपना एड्रेस बता दें। हाँ जी, ये हमारी लोकेशन जो है वो मुल्तान में है और न्यू शालीमार कॉलोनी में ये वर्कशॉप बनी हुई है रिफ्लेक्ट माई राइड के नाम से, और फेसबुक पेज भी है उसके थ्रू भी उस पर, और स्क्रीन पे हम नंबर भी चला देंगे उसके थ्रू भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे क्योंकि ये खुद एक्सपर्ट है इन चीज़ों के और खुद शौक भी रखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच निशान भाई आपके प्रीशियस टाइम का। सो व्यूअर्स, ये था आज का ऑनर्स रिव्यू, आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। फिर किसी नए रिव्यू में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।